2004 में जब हमारी सरकार बनी थी, हमने हिंदुस्तान की जनता से एक वायदा किया था, कहा था कि आम आदमी की आवाज दिल्ली में सुनाई देगी, जो भी हम करेंगे आम आदमी के लिए करेंगे, गरीब के लिए करेंगे, पिछड़ों के लिए करेंगे। 8 साल से अब हम सरकार में हैं और हमने बड़े बड़े काम करके दिखाया। दुनिया का सबसे बड़ा रोजगार का प्रोग्राम मनरेगा हमने इस देश के मजदूरों को दिया, करोड़ों लोगों को रोजगार दिया, फायदा पहुंचाया। विपक्ष के लोग भ्रष्टाचार की बात करते हैं, मगर हमने हिंदुस्तान की जनता को आरटीआई दिया, जिसके माध्यम से कोई भी अपनी सरकार के बारे में कोई भी सवाल पूछ सकता है। और अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ कुछ हो रहा है तो आरटीआई के माध्यम से हो रहा है। आम आदमी को आरटीआई से फायदा मिला है। हमने औजार दिया, किसानों के लिए आप जानते हैं हमने कर्जा माफ करके दिखाया, हजारों करोड़ रुपए किसानों को वापस दिए, बैंक के दरवाजे उनके लिए खोले, मनमोहन सिंह जी ने खोले। और जब भी हमने ये काम किया, विपक्ष ने समर्थन नहीं दिया, खड़े हो गए हमारे सामने, विरोध किया, बिना सोचे विरोध किया, बिना समझे विरोध किया, विरोध किया। आने वाले समय में हम आम आदमी के लिए और काम करने वाले हैं। भोजन का अधिकार का बिल तैयार है, उसको हम पार्लियामेंट में रखने वाले हैं और पूरे हिंदुस्तान के गरीब को भोजन देने वाले हैं। जो आधी रोटी खाता है उसको हम पूरा पेट भर के खाना देंगे। भट्टा परसौल में जमीनी अधिकरण बिल की बात शुरू हुई, गरीब लोगों से जमीन छीनी जाती है, कोई सवाल नहीं पूछता। हमने सवाल पूछा, कांग्रेस पार्टी ने सवाल पूछा, और अब हम बिल लाने वाले हैं पार्लियामेंट हाउस में, जिससे करोड़ों लोगों को, किसानों को फायदा होगा, सही दाम मिलेगा। लोकपाल की बात उठी, हम बिल लाए और विपक्ष के लोगों ने राज्यसभा में उस बिल को हराया और हंस रहे थे वो उस दिन, खुश थे जिस दिन लोकपाल बिल को वहां हराया गया था। मगर हम फिर से लाएंगे और उस बिल को पास करवाएंगे, आप देखना। और दिल्ली में है तो दिल्ली के बारे में कह देता हूं, शीला जी बैठी हैं, जेपी अग्रवाल जी बैठे हैं, आप सब बैठे हैं, दिल्ली को हमने बदल डाला है। दिल्ली को पहचाना ही नहीं जाता है आज, जो पहले दिल्ली हुआ करती थी वो आज दिल्ली नहीं है। सड़कें हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, प्रगति हमने करके दिखाई है, और शीला जी का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। इकोनॉमिक सिचुएशन पे मनमोहन सिंह जी बोलेंगे, मनमोहन सिंह जी बोलेंगे और वो आपको समझाएंगे कि हमारे सामने क्या समस्याएं हैं। मगर मैं आपको और बात बताना चाहता हूं, और ये बात मैं आपको बहुत देर से बताना चाह रहा हूं, दिल की बात है। सालों से अब मैं इस राजनीतिक सिस्टम को देख रहा हूं, 8 साल हो गए,
अंदर से इस राजनीतिक सिस्टम को देखा है मैंने। आपके पास आया हूं, किसानों के पास गया हूं, मजदूरों के पास गया हूं, युवाओं के पास गया हूं, आप सबसे बात की और थोड़ी सी समझ सिस्टम के बारे में मुझे आई है। हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या हमारा राजनीतिक सिस्टम है और ये जो सिस्टम है इसमें सबसे बड़ी कमी ये है कि आम आदमी के लिए ये सिस्टम बंद है, कमजोर के लिए ये सिस्टम बंद है, इसके दरवाजे बंद पड़े हुए हैं और आम आदमी इसका नतीजा हर रोज सहता है। जब आप राशन कार्ड लेने जाते हो और आपको भगा दिया जाता है तो बंद सिस्टम की चोट आपको लगती है। जब आप किसी सरकारी ऑफिस में जाते हो, काम करवाना चाहते हो और आपको बाहर भगा दिया जाता है तो बंद सिस्टम आपको ठोकर मारता है। जब कोई बच्चा स्कूल जाना चाहता है, देश के लिए रोजगार चाहता है, बंद सिस्टम उसको ठोकर मारता है। देखिए, राजनीतिक पार्टियों के दरवाजे आम आदमी के लिए बंद पड़े हुए हैं। युवा सपना देखता है, आसमान की ओर देखता है, बड़े बड़े सपने देखता है और हमारा सिस्टम उसको ठोकर मार के जमीन पर गिरा देता है। और यह सिर्फ एक युवा के साथ नहीं होता है, यह पूरे हिंदुस्तान के साथ होता है, हर रोज होता है और आप सब इस बात को बहुत अच्छी तरह जानते हो। और यह सिस्टम आपको ठोकर मारता रहता है, सिस्टम के दरवाजे बंद हैं और वही लोग जो सिस्टम को चलाते हैं एक दूसरे पे पत्थर मारते हैं। जो सच्चा सवाल है, सिस्टम को खोलने का सवाल है, राजनीतिक पार्टियों को खोलने का सवाल है, वो ये लोग नहीं पूछते। भ्रष्टाचार की बात जरूर उठाई विपक्ष ने, मगर सिस्टम को बदलने की आवाज उठाई किसी एक विपक्ष के नेता ने यह बोला कि भैया यहां पे सिस्टम में खराबी है, सिस्टम को बदलना है, मुझे नहीं सुनाई दिया। एक बार नहीं सुनाई दिया, कभी नहीं सुनाई दिया। और अगर यहां एक कमी है तो यह है कि राजनीति में आम आदमी की आवाज नहीं पहुंच रही है और आम आदमी घूमता रहता है, ठोकर खाता रहता है। प्रोग्राम हमने जरूर दिए और बहुत फायदा हुआ, मगर सच्ची बात यह है कि जब तक आम युवा राजनीतिक सिस्टम के अंदर नहीं आएगा, जब तक हर जात का युवा, कमजोर युवा राजनीतिक सिस्टम में नहीं आएगा, तब तक यह देश नहीं बदल सकता। विरोध से, विरोध करने से कुछ नहीं होता, रास्ता दिखाने से होता है। और आज अगर किसी ने रास्ता दिखाया है तो मनमोहन सिंह जी ने दिखाया है, सोनिया जी ने दिखाया है और कांग्रेस पार्टी ने दिखाया है। देखिए, मैं भविष्य की बात करना चाहता हूं और कांग्रेस पार्टी के बारे में भी कहना चाहता हूं कि हमें अपने दरवाजे खोलने हैं, बंद दरवाजे खोलने हैं, युवा के लिए दरवाजे खोलने हैं। और हमारा जो कार्यकर्ता है, जो आज यहां लाखों में आया है, उसकी आवाज सुननी है,
उसकी बात सुननी है और समझनी है और उसको आगे करना है, क्योंकि यह हमारी रीढ़ की हड्डी है, यह हमें रास्ता दिखाती है और इसको हमें सामने करना है। जब तक हम कांग्रेस पार्टी को बदलेंगे नहीं, जब तक हम कांग्रेस पार्टी के दरवाजे नहीं खोलेंगे, तब तक यह देश आगे नहीं बढ़ सकता। ये बाकी लोग नहीं कर सकते इस काम को, यह सिर्फ कांग्रेस पार्टी कर सकती है। बाकी लोग विरोध कर सकते हैं मगर रास्ता नहीं दिखा सकते हैं। हमने रास्ता दिखाया है। हरी क्रांति किसने की बताओ, किसने की? कांग्रेस पार्टी ने की। कंप्यूटर कौन लाया? कांग्रेस पार्टी लाई। लिबरलाइजेशन किसने किया? कांग्रेस पार्टी ने किया। राजनीतिक सिस्टम को कौन बदलेगा? कांग्रेस पार्टी बदलेगी। सौ साल से ज्यादा हो गए, गांधी जी ने लड़ाई शुरू की। गांधी जी हिंदुस्तान आए, कांग्रेस पार्टी बंद थी। 10-15 लोग थे कांग्रेस पार्टी में। कांग्रेस पार्टी के दरवाजे गांधी जी ने खोले और हिंदुस्तान की आवाज कांग्रेस पार्टी में डाली। और जिस दिन हिंदुस्तान की आवाज कांग्रेस पार्टी में आई, उस दिन अंग्रेजों ने हाथ जोड़े और वो वापस इंग्लैंड चले गए। वो ही हमने करना है। हिंदुस्तान की आवाज को कांग्रेस पार्टी के अंदर लाना है। हिंदुस्तान के कमजोर गरीब लोगों की आवाज को इस संगठन में लाना है। कांग्रेस पार्टी की आवाज, कांग्रेस पार्टी के वर्कर की आवाज को सुनना है। युवाओं को आगे बढ़ाना है। और अगर हमने यह काम किया, राजनीतिक सिस्टम बदलेगा, देश बदलेगा और प्रगति होगी। इसको कोई नहीं रोक सकता। और मैं कांग्रेस पार्टी को अब अच्छी तरह जानता हूं और हमारे जो नेता बैठे हैं, सीनियर नेता बैठे हैं, युवा बैठे हैं, जो अभी मंत्री बने हैं, युवा बैठे हैं, आप लोग बदलाव चाहते हो, आप लोग सिस्टम से तंग हो और आप लोगों के साथ मैं खड़ा हूं। युवा हिंदुस्तान का खड़ा हुआ है और हम एक साथ मिलकर हिंदुस्तान को रास्ता दिखाएंगे, राजनीतिक सिस्टम को बदलकर दिखाएंगे और जो हमारे बच्चों के, युवाओं के सपने हैं, उनको एक बार फिर आसमान में पहुंचाएंगे। विपक्ष के लोग सिर्फ नेगेटिव बात करते हैं। चाहे हम कुछ भी कह दें, विपक्ष के लोग खड़े हो जाएंगे, कहेंगे भैया गलत कहा। एफडीआई की बात की, उन्होंने शुरू की थी पहले। एफडीआई की बात बीजेपी ने शुरू की थी। कमजोर बिल था, हम मजबूत बिल लाए, पार्लियामेंट में रखा, एकदम खड़े हो गए, कहते हैं भैया नहीं, एफडीआई से किसान को नुकसान होगा। अभी हिमाचल प्रदेश गया मैं, वहां कहते हैं, नाई को कह दिया भैया तुम्हारी दुकानें बंद हो जाएंगी। झूठ, कुछ लेना देना नहीं, मगर कह दिया, बता दिया, एफडीआई से किसान को फायदा होगा। कोल्ड स्टोरेज किसान के पास जाके लगेगा, फूड प्रोसेसिंग प्लांट किसान के पास जाके लगेगा और किसान जो हमारी रीढ़ की हड्डी है वो खड़ा होगा और हम खड़ा करके दिखाएंगे। हिंदुस्तान तेजी से आगे बढ़ रहा है, पूरी दुनिया देख रही है हिंदुस्तान को। दुनिया कह रही है भैया हिंदुस्तान खड़ा हो रहा है, पॉजिटिव माहौल है। और यहां पे सिर्फ विरोध का काम, बिना सोचे बिना समझे विरोध का काम। चाहे कोई भी नुकसान हो जाए, किसानों का नुकसान हो जाए, मजदूरों का नुकसान हो जाए, युवाओं को नुकसान हो जाए, विरोध का काम। हम भी विपक्ष में थे, कारगिल की लड़ाई हुई, हम सब खड़े हो गए, समर्थन दिया, एक साथ खड़े हुए। वाजपेयी जी को कहा, देखिए आप करिए जो करना है, हम खड़े हैं आपके साथ। देश का फायदा होता है, कांग्रेस पार्टी खड़ी होती है।
चाहे हमारी सरकार हो ना हो, क्योंकि हम देश का हित चाहते हैं, युवाओं का हित चाहते हैं और हम यहां इस देश को बदलने आए हैं, प्रगति लाने आए हैं। और आप इस बात का सबूत हो कि आप दूर दूर से आए, हम यहां गरीबों के लिए हैं, पिछड़े लोगों के लिए हैं, कमजोर लोगों के लिए हैं, मगर हमें यह भी मालूम है कि अगर गरीब लोगों को आगे बढ़ाना है तो लिबरलाइजेशन की जरूरत है, इकोनॉमिक रिफॉर्म की जरूरत है। इकोनॉमिक रिफॉर्म की जरूरत है और प्रगति की जरूरत है, क्योंकि जब हमारे बिजनेस चलेंगे, जब प्रगति होगी तो किसानों के लिए, मजदूरों के लिए प्रोग्राम होंगे। अगर प्रगति नहीं होगी तो प्रोग्राम नहीं होंगे। हम इस बात को बहुत अच्छी तरह जानते हैं और हम दोनों चीजों को लेकर चलते हैं। हिंदुस्तान खड़ा होगा, पूरी दुनिया इस बात को पहचानेगी। हमारा युवा सिर्फ हिंदुस्तान को नहीं, पूरी दुनिया को रास्ता दिखाएगा। और कांग्रेस पार्टी उस युवा को राजनीतिक सिस्टम में जगह देगी, उसको वो औजार देगी जिससे वो ये काम पूरा कर सके। आप सब दूर दूर से आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।